हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे गांव के बारे में बताना चाहेंगे जो रेगिस्तान के बीचों बीच है। पेरू में ऊंचे रेत के टीलों के बीच बसा हुआ हुआकिचना गांव। यह नाम का गांव लेकिन है अच्छे खासे शहरे कस्बे जैसा, जरूरत की सारी चीज यहां उपलब्ध है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि बीचों बीच बड़ा प्राकृतिक तालाब वातावरण की खूबसूरती बढ़ाता है। वही झील में बोटिंग करने का ही अलग मजा है। रेत के टीले होने के बावजूद मौसम हमेशा सुहावना रहता है, इसलिए यहाँ साल भर पर्यटकों की भरमार होती है। मान्यता है कि यहाँ के पानी और रेत में आर्थराइटिस, थमा, खांसी आदि के उपचार की शक्ति है, इसलिए लोग तालाब में नहाने के बाद शरीर पर रेत लगाते हैं। हुआकिचना को पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक माना जाता है, लेकिन यह स्थान पर्यटन और अपने बेहिसाब प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह पर्यटन स्थल एक प्राकृतिक झील के चारों ओर बसा है और हुआकिचना के चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत है। इस झील के चारों ओर बसे लोग स्थानीय ही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के रेत के टीलों पर छोटी गाड़ियों से सैर करना नहीं भूलते हैं। पर्यटकों के लिए भरपूर हरियाली के साथ होटल, दुकानें, लाइब्रेरी जैसे तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। हुआकिचना में तीन तरह की जलवायु पाई जाती है, सर्द तटवर्ती मैदानों में खुश्क सुहानी और वर्षा वाले जंगलों में गर्म के साथ उमस भरा। मुख्य रूप में यह प्रदेश शुष्क रहता है, इस कारण कभी कभी झील का पानी कम हो जाता है। पेरू के सरकार ने दुनिया भर के पर्यटकों को अपने देश आमंत्रित करने के लिए प्रयास कर रही है। पेरू की भाषा स्पेनिश और क्वेशुका है। यहाँ 90% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। पर्यटन उद्योग ही यहाँ की आय का एक प्रमुख साधन है।